आज की इस नई वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि IDBI बैंक में जीरो बैलेंस पे कैसे अकाउंट ओपन किया जाता है, वो भी घर बैठे। अगर यहां पे आप IDBI अकाउंट में जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन करते हैं, इसमें एक आपको फ्री डेबिट कार्ड दिया जाएगा और इसके साथ साथ आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको कम्प्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि किस तरीके से घर बैठे जो है सिर्फ 5 या 6 मिनट के अंदर में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी जीरो बैलेंस पे IDBI बैंक में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिथुन कुमार, आप देख रहे हैं MKP गुड टिप्स चैनल। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए मैं आपको जानकारी देता हूँ कि IDBI बैंक में जीरो बैलेंस पे कैसे अकाउंट ओपन किया जाता है, वो भी घर बैठे IDBI बैंक में। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पे आप अपना मोबाइल नंबर जो भी लिंक करना चाहते हैं अकाउंट के साथ IDBI बैंक के साथ, यहां पे आप मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद इंटर पैन कार्ड नंबर यहां पे आप इंटर करेंगे, जो आपका पैन कार्ड का नंबर है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद पैन कार्ड में जो आपका नाम जैसा ही है वैसा ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। वन टाइम पासवर्ड जो आप नंबर दिए हैं उसी में एक OTP आएगा, उसके बाद OTP को यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद आप अपना आधार नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जो भी आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसी में एक OTP आएगा, OTP आने के बाद यहाँ पे आपको इंटर करना है, उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो नया पेज खुलने के बाद यहाँ पे देखिए आधार कार्ड से जो है आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पे ले लिया जाएगा। जो भी यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसा कि मेरा यहाँ पे ले लिया है पर्सनल डिटेल आधार कार्ड से। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाता है अगर आप DBT का इसी अकाउंट में आप सुविधा लेना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन जो है नो पे क्लिक करके रख सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक कर देंगे। बाद यहाँ पे आपको पूछा जाता है आप कौन से ब्रांच में खाता खोलना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अपना स्टेट चूज करेंगे। तो मैं बिहार से हूँ तो बिहार चूज कर लेता हूँ। उसके बाद सिटी मेरा खगड़िया है तो यहाँ पे हम खगड़िया चूज कर लेंगे। उसके बाद ब्रांच भी खगड़िया आ जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आपको क्या सा फैसिलिटी मिलेगा ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जैसे आपको डेबिट कार्ड ATM कार्ड मिल जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा मिल जाएगा, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा मिल जाएगा, उसके बाद SMS अलर्ट की सुविधा मिल जाएगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। अगर आपको नॉमिनी डिटेल इंटर करना है तो यहाँ पे उसका नाम, उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ जिसका भी आप नॉमिनी डिटेल इंटर करना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप कौन लगते हैं सन मदर फादर तो जो भी है यहाँ पे आप इंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पे जो आपका आधार डिटेल है वो डिटेल सेम है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारा इंटर हो जाएगा। अगर नॉमिनी डिटेल यहाँ पे सेम नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसका नॉमिनी डिटेल यहाँ पे एड्रेस भी भर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं भरना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अदर डिटेल में पूछा जाता है, कम्युनिटी पे आप क्लिक करेंगे, आप हिंदू यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कास्ट आपको पूछा जाता है, आप यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, आप ये भी यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा काम करते हैं आप। उसके बाद ईमेल आईडी आपको यहां पे पूछा जाता है, आप यहां पे इंटर कर देंगे। उसके बाद मदर नेम यहां पे आपको पूछा जाता है, ये आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। रिव्यू पेज आ जाएगा, रिव्यू डिटेल, उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन वेलकम टू IDBI बैंक। तो यहाँ पे आपका खाता ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा गेट अकाउंट डिटेल का, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपका जो है अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे आपका दिखा दिया जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं अकाउंट नंबर कस्टमर आईडी यहां पे है, उसके बाद यहां पे आपको ओके पे क्लिक करना। उसके बाद अकाउंट डिटेल मिलने के बाद ये IDBI बैंक का ऑफिशियल पेज है, तो ये आप इस पे आ जाएंगे जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहां पे देखिए आप पर्सनल पे क्लिक करेंगे,
उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद लॉगिन बटन पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा यहाँ पे आपको मिल जाता है। जो भी आप यहाँ पे एड्रेस फिल किए हैं वो 15 या 30 दिन के अंदर में आपका डेबिट कार्ड आपके बाय पोस्ट के द्वारा आ जाएगा। और इसमें आप जो है साल में कभी भी जो है आप फुल केवाईसी जाके जो भी ब्रांच यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं वहाँ पे आप फुल केवाईसी करा सकते हैं। और इसका मिनिमम है, अगर आप केवाईसी नहीं कराते हैं तब पर भी आप एक साल में इसका इस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। मिनिमम 1,00,000 रुपये तक का आप इसे ट्रांजेक्शन इसमें कर सकते हैं। यदि मेरा डेबिट कार्ड आ जाता है तो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से IDBI बैंक में जो है इंटरनेट बैंकिंग को यूज किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं। और भी अगर आपके मन में कुछ टॉपिक चल रहे हैं जिसपे वीडियो बनाया जा सकता है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी को नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।